है वह लगभग 70,000 स्क्वायर फीट में उसको जगह अभी उपलब्ध कराया गया है, जिसमें 740 करोड़ रुपए की लागत से इस कार्य को कराया जा रहा है। ग्राम सचिव खेल विभाग ने बताया कि भवन निर्माण विभाग के द्वारा इस परियोजना का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि कला संस्कृति एवं युवा विभाग, जो कि अब खेल विभाग के रूप में उसका खेल का काम देखते हैं, उनके द्वारा यह प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी और लगभग 740 करोड़ रुपए की लागत से इस कार्य को कराया जा रहा है। और इसका काम अक्टूबर 2018 में प्रारंभ किया गया था, लेकिन बीच में कोविड और अन्य कारणों से इसका कुछ हेलो। काम बाधित रहा, लेकिन अब काफी तेजी से इसका काम किया जा रहा है। जो पूरा साथ ही साथ वहाँ पर जो राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का गठन हुआ है, जिसकी शुरुआत 29 तारीख को होगी, उसके लिए जो प्रशासनिक भवन बनाया गया है वह लगभग 70,000 स्क्वायर फीट में उसको जगह अभी उपलब्ध कराया गया है, जिसमें लेक्चर हॉल भी बनाए गए हैं, मीटिंग हॉल बनाए गए सर हैं। आवाज एकदम नहीं आ रहा है इधर। प्रशासनिक भवन को तैयार कर लिया गया है, उसका जो निर्मित क्षेत्रफल है लगभग 70,000 स्क्वायर फीट है, और उसमें लेक्चर हॉल, उसमें मीटिंग रूम, ऑडिटोरियम और कार्यालय कक्ष बनाए गए हैं। इसके साथ साथ उस परिसर में बालक बालिकाओं के छात्रावास बनाए गए हैं, जिसमें बालक के लिए लगभग 300 और बालिकाओं के लिए लगभग 150। इसके अतिरिक्त जो कोचेज हैं उनके भी हॉस्टल लगभग 45 के लिए बनाया गया है, और साथ में ट्रांजिट हॉस्टल भी बनाया गया है, क्योंकि जब खेल का आयोजन होगा तो लोग बाहर से आएंगे। और साथ में कॉमन मेस भी बनाया गया है, जिसमें लगभग 325 लोग एक साथ खाना खा पाएंगे। इसके साथ साथ वहां पर जो इंडोर हॉल भी बनाए गए हैं, कुल 5 उसमें बनाए जाने हैं, और उस इंडोर हॉल में अभी तैयार कर लिया गया है, और उसमें से जो इंडोर हॉल है उसमें कुश्ती, भारोत्तोलन, जूडो, ताइक्वांडो, तलवारबाजी, निशानेबाजी, सफेद टेकरा आदि खेल के आयोजन और अभ्यास की व्यवस्था कर ली गई है। और इसके साथ साथ वहां पर